Hello students, now see the question number 4 of exercise 2.6. What's problem hai? Question number 3rd bhi hai, question number 4th bhi hai, main aapko question number 4th explain kar raha hu. Question number 3rd aap khud se try karo. Nahi aaya to main aapko next video mein isko share karunga. Theek hai? Kya diya hua hai? The cost of one book of question read kar lo acche se. One book of economics, one book of cooperation and one book of account is ₹420. Same one book of second condition mein, one book of economics, two books of cooperation and one book of account be ₹480. And last condition mein diya hai cost of one book of economics, three books of cooperation and two book of account is equal to 600. Then find the cost of each books. Cost of each book. Dekho, assume kar lo. Let the cost of each book of economics, cooperation and account be rupees X, Y and Z. Matlab ek book ka kya le liya? X, iska economics ka. कोऑपरेशन का कितना ले लिया वाई और लास्ट में बचा कौन सा अकाउंट बुक का कितना प्राइस हो गया जेड. इकोनॉमिक का एक बुक हो गया एक्स रुपीस का, कोऑपरेशन का एक बुक हो गया कितने का वाई रुपीस का और अकाउंट का एक बुक कितने का हो गया जेड रुपीस का. फिर अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन दिया है वन बुक तीनों का है तो वन बुक्स ऑफ कोऑपरेशन प्लस वन बुक ऑफ इकोनॉमिक्स प्लस वन बुक ऑफ कोऑपरेशन प्लस वन बुक ऑफ अकाउंट इज इक्वल टू 420. ये फर्स्ट हो गया एज इट इज 7. सेम एक्स, वन बुक ऑफ इकोनॉमिक, टू बुक ऑफ कोऑपरेशन एंड वन बुक ऑफ अकाउंट मिला के कितना हो गया 480. एंड थर्ड वन, वन बुक ऑफ इकोनॉमिक्स, थ्री बुक्स ऑफ कोऑपरेशन एंड टू बुक ऑफ अकाउंट, ये टोटल कॉस्ट हो गया इसका 600. तो तीन लीनियर इक्वेशन बन गया फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, बराबर. अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो तरीका है, मेथड ऑफ इन्वर्सन या फिर मेथड ऑफ रिडक्शन. मैंने आपको दोनों मेथड बताया हुआ है तो आपको भी लग रहा होगा कि मेथड ऑफ रिडक्शन जो मेथड ऑफ इन्वर्सन से इजी है, बराबर. तो मेथड ऑफ इन्वर्सन और मेथड ऑफ रिडक्शन में अगर मुझे सॉल्व मुझे चूज करना हो तो मैं किसको चूज करूंगा, मेथड ऑफ रिडक्शन को. तो मैं इस क्वेश्चन को मेथड ऑफ रिडक्शन से सॉल्व करने जा रहा हूं, ध्यान देना जरा आप लोग. तो पहले इक्वेशन जो दिया हुआ है उसका जो कोएफिशिएंट है वो ए में ले लो 1 1 1, एक्स का पूरा 1 1, वाई का 1 2 3 और जेड का 1 1 2 लिया. बी में 420 480 600 ले लिया और एक्स में आपको बताइए एक्स वाई जेड लेना पड़ता है, ले लिया तीनों. फिर इक्वेशन इन द मैट्रिक्स फॉर्म, वही सेम मेथड है जैसे पहले सिखाया हुआ है. चलिए व्हाट्स प्रॉब्लम था, बस इक्वेशन इन द मैट्रिक्स फॉर्म एक्स इक्वल टू बी, तो ए का वैल्यू यहाँ एक्स का फिर यहाँ बी का सब रख दिया. अब इसे इस मैट्रिक्स को मुझे इसमें कन्वर्ट करना है, बोलो क्या लाना पड़ता है यहाँ पे, अपर ट्रायंगुलर मतलब वह यहाँ जीरो यहाँ जीरो यहाँ जीरो, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब डायगोनल के नीचे तीन जीरो आना चाहिए, राइट. तो लाने की कोशिश करता हूँ मैं, देखो 1 - 1 जीरो हो जाएगा, 2 - 1 मतलब यहाँ जीरो लाने के लिए R2 - R1 करना पड़ेगा. मैं एक एक स्टेप करता हूँ, R2 - R1, R1 एज इट इज रहेगा, R3 भी ऐसी रहेगा लेफ्ट में भी और राइट में भी. चलो R2 चेंज होगा, बीच वाला स्टेप चेंज होगा, तो 1 - 1 कितना हो गया जीरो, 2 - 1 कितना हो गया 1 - 1 कितना हो गया जीरो, यहाँ 480 - 420 करोगे कितना आएगा 60, राइट. फिर यहाँ जीरो लाना है 1 - 1, R3 - R1 कर दो, 1 - 1 जीरो, 3 - 1 टू, 2 - 1 1, यहाँ हो जाएगा 600 माइनस ना करोगे 420 तो आएगा आपका 180, राइट. एक जीरो और चाहिए अपने कहाँ पे, तो R3 में R3 चेंज करना पड़ेगा, R2 - 2 R1 कर दो, तो
टू माइनस टू, देखो जीरो माइनस जीरो तो जीरो ही आएगा, टू माइनस टू करोगे तो कितना आएगा जीरो, वन माइनस टू इंटू जीरो करोगे तो वन ही आएगा। यहाँ 180 माइनस टू इंटू सिक्सटी, 180 माइनस टू इंटू सिक्सटी यानी कि 120, 180 माइनस 120 करने में कितना आ गया 60, राइट। ये हो गया आपका अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद एकदम आसान है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर जीरो एक्स प्लस वन वाई प्लस जीरो जेड यानी कि y, जीरो एक्स प्लस जीरो वाई प्लस वन जेड यानी कि ओनली z, यहाँ पे आएगा 420, 60 और 60, मतलब इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, जो जीरो जिसमें जीरो था उसको नहीं लिखा है, जो नंबर्स वाला था वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब दो मैट्रिक्स दोनों इक्वल फॉर्म में हो गया तो क्या लिखोगे, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 420, वाई इक्वल टू 60 एंड जेड इक्वल टू 60। इसमें y का वैल्यू और z का वैल्यू दोनों 60 60 मिल गया, ये दोनों वैल्यू को फर्स्ट में रख दो, फर्स्ट में रख दिए, रखो x प्लस 60 प्लस 60 इज इक्वल टू 420, x प्लस 120 इज इक्वल टू 420, x इक्वल टू 420 माइनस 120 बराबर, लेफ्ट से राइट में जाएगा तो माइनस जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ गया 300। मतलब बहुत ही आसान है, कुछ क्वेश्चन में दम नहीं है, बस वर्ड्स प्रॉब्लम में दिए आपको समझ के उसको इक्वेशन बनाना है फिर सॉल्व करना है। तो हो गया x का वैल्यू y का वैल्यू z का वैल्यू तीनों मिल गया, तो लिखो लिख दो वहां पे आंसर, therefore cost of one book of economics equal to rupees 300, cost of x मतलब economics को लिया हुआ था इसलिए 300, cost of one book of cooperation is rupees 60 and cost of one book of account is equal to कितना हो गया rupees 60। जैसे आपने assume किया है इसके हिसाब से आपको यहाँ पे क्या लिखना है, answer लिखना है, ठीक है। इसी के साथ आपका एक question number 4 finished होता है। क्वेश्चन नंबर 3 आप ट्राई करो खुद से, नहीं आया तो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा।